आपकी व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, वो इस समय आपकी कॉल नहीं ले पा रहा है। कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच इज नॉट। रुपया पैसा भैया काम लंबा खींचे रे, कोई झोंके ऊपर ले और कोई झोंके नीचे रे, बिना रुपया पैसा भैया काम लंबा खींचे रे। मोरल बड़का चोर है भैया, मोरल बड़का चोर है भैया बैठे हावे ऊपर जी, मोरल बड़का चोर है भैया बैठे हावे ऊपर जी। ओ नहीं है जो भरोसा देख लो कंगाल के, ले जाऊं तोरे बटवा रखना संभाल रे, ले जाऊं तोरे बटवा रखना संभाल रे। भाई एक सिगरेट तो पिला, भाई सोनू एक सिगरेट तो दे दे। हाँ भाई। क्या हुआ राजशेखर भाई, परेशान लग रहे हो? अरे क्या बताऊं यार, साला हर तरफ से मुसीबत ही पीछे पड़ा है। अरे बोल दो, बोल देने से मन हल्का हो जाता है। साला मेरा बॉस पूरे स्टाफ के सामने मेरी माँ बहन करता है, साला मेरे को कामचोर बुलाता है और खुद बंद चैम्बर में अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को ठोकता रहता है और साला मेरे को कामचोर बुलाता है। छोड़ दो ऐसी नौकरी, झंझट खत्म। मन तो करता है कि उसे गाड़ में लात मार के छोड़ दूं नौकरी, लेकिन एमए करके 3 साल भटकने के बाद ये सड़ी सी नौकरी मिली है, छोड़ भी नहीं सकता। नई नौकरी ढूंढने में टाइम तो लगता है ना, बाबूजी की भी उम्र हो गई है, खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते, तो परिवार के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। और उस साले टकले ने मेरे इस महीने की सैलरी भी रोक दी है। बाबूजी का कॉल आया था कि घर में माँ बीमार है, पैसे की ज़रूरत है। साला समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। आप टेंशन मत लो भाई, सब सही हो जाएगा। पता नहीं यार क्या होगा। खैर छोड़िए सब, तू बता कुछ नया। अरे मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। हाँ भाई, रात को खिड़की दरवाज़ा अच्छे से बंद करके सोना। क्यों? अरे आसपास के एरिया में बहुत चोरी हो रही है, आए दिन पेपर में पढ़ता रहता हूँ मैं। लेकिन हमारे एरिया में तो नहीं हुई ना, वैसे वो चोर पकड़ा गया कि नहीं? अभी तक तो नहीं पकड़ा गया है, उल्टा उस चोर को पकड़ने के चक्कर में 3-4 लोग मारे गए हैं। अरे उस चोर को पकड़ने जाओ तो वो चाकू मार देता है। हमारे एरिया में तो नहीं हुआ ना चोरी, इसलिए तो कह रहा हूँ चोर हमेशा एरिया बदल के चोरी करता है, इससे उसके पकड़े जाने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए सावधान रहना और कच्ची नींद सोना। इन चोर उचक्कों का क्या भरोसा, कभी भी खिड़की दरवाजा तोड़कर सीधे अंदर घुस पड़े। पहले से इतनी टेंशन है और तू ये सब बोल के और टेंशन दे दिया। चल चलता हूँ, अभी का हिसाब लिख लेना, सैलरी मिलते ही देता हूँ, ठीक है? अरे पैसे की टेंशन मैं नहीं लेता राजशेखर भाई, और वैसे भी तुम कहाँ भागे जा रहे हो? देवीलाल, 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 अरे साहब आप कब आए? ये तुम्हारे हाथ में चाकू क्यों है? वो मैं किचन में सब्जी काट रहा था। मैंने तुमको 3 बार आवाज लगाई तो तुमको कुछ बोलना चाहिए ना? अब साहब मैं ईयरफोन लगा के गाना सुनते हुए सब्जी काट रहा था, जैसे ही गाना खत्म हुआ वैसे ही आपने आवाज दी, इसलिए वही सुन के हड़बड़ा गया था।
थाली भी नीचे गिर गई, उसको उठाने में थोड़ा सा टाइम लग गया और अभी तो आपके सामने हूँ। और ये दरवाज़ा क्यों खुला था? और सब लाइट भी बंद थी, रोज़ तो ऐसा नहीं होता है। साहब जब मैं घर आया तब करंट नहीं था, ये दरवाज़ा खोलकर यहीं बैठा था, फिर जब लाइट आई तब मैं जल्दी से किचन में जाके काम करने लग गया था, इसलिए दरवाज़ा बंद करना और लाइट जलाना भूल गया था। अगर कोई चोर घुस जाता और तुम्हारा मर्डर कर देता ना तो आफत मेरे सर पड़ जाती। वैसे ही कम टेंशन नहीं जिंदगी में, समझ गया? दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, आगे से ध्यान रखूँगा। साहब मुझे पैसे की थोड़ी ज़रूरत थी, इस महीने की तनख्वाह अगर आप दे देते तो। पैसे की ज़रूरत तो मुझे भी है और वैसे भी मुझे अभी सैलरी नहीं मिली है, जब मिलेगी तो दे दूंगा। ठीक है? ठीक है साहब, चलो जाओ काम करो। दस बजे हैं और अब बात उस डायमंड कारोबारी की जो हिंदुस्तान के हजारों का। यही है वो नौकर जिसने की अपने ही मालिक के घर में चोरी और मालिक द्वारा पकड़े जाने पर कर डाली उसकी बेरहमी से हत्या। इसके कहीं भी दिखने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन में खबर करें। साहब वो खाना बना दिया है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। हर जगह साला चोरी और डकैती, बस यही सब हो रहा है यहाँ। जा था बेटा? हाँ माँ। माने इस काम न कर भी बेटा, चौकीदारी काम भी जिम्मेदारी काम है। हाँ माँ, चल जा था। ए, कौन है तू? कहाँ गुस्सा चला आ रहा है? ए, तू कौन है? ये मेरा घर है और मुझे ही मेरे घर में घुसने से रोक रहा है। ए, ये मेरा घर है, चाहे मैं कितना भी पी लूँ मैं अपना घर नहीं भूलता। अबे बेवड़े, ये तेरा घर नहीं मेरा घर है, समझ नहीं आ रहा क्या तेरे को? ऐसे बोल रहे हो? नहीं नहीं जाऊँगा मैं। अबे भोसड़ी, क्या ज़्यादा चढ़ गई तेरे को? अभी बताता हूँ, रुको। कहाँ डंडा, कहाँ इसकी माँ का। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा घर तो आगे है। ए, कौन है तुम लोग दोनों? हाँ साले मार खाओगे, भगा से। अच्छा ऐसा क्या? चल रे बेवड़े, चल निकल यहाँ से। चल चल चल, तुझे घर छोड़ देता हूँ, चल। पता नहीं साले कहाँ कहाँ से पहुँच जाते हैं, पीने के बाद साला खुद का घर का पता नहीं इनको। पार्षद महोदय, आपका वार्ड आ गया। मुझे यही उधर दो भाई, आगे वो गड्ढा है। रोड कब बनवा रहे हो बंटी भाई? चुनाव तो आने दे यार, बन जाएगा। और वो भी सस्ते मटेरियल्स, ताकि अगले चुनाव के आते तक फिर से बनवाना पड़ जाए। मेरा भी भला हो जाएगा, कुछ पैसे बचा लूंगा यार। आज भी तुम चोरी कर रहे हो बंटी भाई, लेकिन इस चोरी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बताऊं, पहले भी मैं चिंदी चोरी किया करता था, फिर बाद में समझ में आया कि बड़ी चोरी करने के लिए
नेता बनना बहुत जरूरी है। अच्छा भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। गाड़ी खराब हो गई यार। अरे क्या हुआ साहब? एक मिनट, बाथरूम जाके आता हूं साहब। जल्दी आ। चलें साहब। सुनो, मुझे सामने वाले घर पे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम यहीं रुकना, मैं देख के आता हूँ।
कुछ होगा तो मैं बताता हूँ। ठीक है साहब। राजशेखर भाई, राजशेखर भाई उठो भाई, तुम्हारे घर में चोरी हो रही थी। कौन हो तुम? भाई डरो मत, मैं आपके महल्ले का पार्षद हूँ बंटी भाई। आपके घर से चोर चोरी करके भाग रहा था, मैंने उसे पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस उसे पकड़ के खड़ी है। कहाँ है चोर? कहाँ है? बाहर हॉल में। ये चोर आपके घर चोरी कर रहा था, वो तो अच्छा हुआ बंटी भाई ने हमको कॉल कर दिया, नहीं तो ये आराम से भाग जाता। साले चोरी करता है, इतना अच्छा खासा हट्टा कट्टा, कोई काम धाम नहीं क्या तेरे पास? चोरी करता है साले, चोरी करता है भूसड़ी के, चोरी करता है सिक्योरिटी गार्ड साले, चोरी करता है, चोरी करता है। हाँ चोरों में करे हो चोरी, अरे जरवा थे मोला। अब ये दोनों कौन से मार चोर नहीं है, दोनों के दोनों झूठ बोला थे आपसे। अरे झूठ बोल रहे हैं ये लोग। चोर चोरी करता है, चोरी करता है, ऊपर से झूठ बोलता है। अरे झूठ बोलता है? झूठ नहीं बोला तुम्हें। इन दोनों से मैं हॉल में टकराया था, किचन में जब मैं चोरी कर रहा था तब इन लोगों ने मुझे वहां देख लिया था, तब तो नहीं पकड़े, और जब चोरी करके बाहर जा रहा था तब पकड़ लिए। आप भी तो अंदर चोरी कर रहे थे, मैंने खुद देखा है। हाँ कर रहा था, तो तुमने पकड़ा क्यों नहीं? इसीलिए ना कि तुम्हारे मन में भी चोर था। देखो मेरे पास एक प्लान है, इसमें हम तीनों का फायदा है। क्या प्लान है? साला बकवास करता है, ले जा इसको। राजशेखर भाई रात बहुत हो चुकी है, घर में सब चिंता कर रहे होंगे, अब मैं भी चलता हूँ। और हाँ दरवाजे में आपका सामान रखा है, उठा लीजिएगा। राजशेखर भाई ये आपकी घड़ी चोर के हाथ से ले ली थी मैंने, आपको देना भूल गया था। अच्छा इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए, इसे छोड़ दीजिए, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। ये चोर है,
आपके घर चोरी करते हुए इसे रंगे हाथ पकड़ा है हमने। मुझे पता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे और मुझे पता चल गया है कि चोर कौन है। मोला भैया साम दाम आओ बंद रे, कहां होली कहां दिवाली नेता मन के देख रेख। आवे देखो मोला भैया साम दाम आओ बंद रे, कहां होली कहां दिवाली नेता मन के देख रेख। जुबान साफ रखबे भैया, जुबान साफ रखबे भैया, फसबे ना कोई चाल रे। जुबान साफ रखबे भैया, फसबे ना कोई चाल रे। ओ सच्चाई के ताकत भैया पहुंचे पताल रे। ले जाऊं तोरे बटवा रखना संभाल रे, ले जाऊं तोरे बटवा रखना संभाल रे। चोरी करना काम है भैया, चोरी करना काम है भैया, चोर मोर नाम रे। ले जाऊं तोरे बटवा रखना संभाल रे, ले जाऊं तोरे बटवा रखना।